सब्जियां खराब हो जाती हैं और बिल्कुल घाटा घाटा जा रहा है, ये समझ लो रोड की वजह से क्यों निकल नहीं पाती है, सब तरह से परेशानी कर रही है। ऋषि गालब कॉलेज से MS चौराहे वाली रोड है, ये रोड लगभग 4 किलोमीटर की है और आप देख सकते हैं कि पूरी रोड पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। खेती को हर को काम को सिक्को खातले बजा रहे हैं, अभी ट्रैक्टर फंसेगो तो हर एक चीजों में परेशानी ही है। अरे जागी तो कई साल है नहीं, ये ऐसे ही भुगत रहे हैं। ट्रैक्टर दो दो ट्यूशन कर कर निकालते हैं, खेती के पैसे भूसा बुलावा दे, तब बहुत परेशानी है। सिर्फ बहम और निकल ना दे दे, पुलिस वाले ना निकल दे, बैरी लोर है कहीं लेके आते हैं तो घुसो और करब लेके आवेंगे तो फंसेंगे जाओ में, बहुत परेशानी है। बच्चों को लेने जाओ, जैसे लेने जाओ छोड़ने जाओ तो वो भी नहीं निकल पाते हैं, जैसे ऊपर टाके उसको गोदी में लेटाके जब ले जाते हैं बच्चों को पानी भर जाता है गड्ढों में, वहाँ में तो ले जाते हैं टाके तो गोदी में रखे ही पढ़ाने तो ले आना है भाई, जैसे भी ले जाओ निकाल के जैसे भी, बहुत परेशानी है। बच्चे गिर जाती है छोड़ने जाते हैं गोदी में रखे ले जाते हैं, करते रात आते हैं उधर। एक आध दो घटनाएं घटी है क्या लोगों के एक्सीडेंट वगैरह की? कई बार निकाल रहे हैं जाते ग्यारह करके निकल जाए, आधे आ जाए पानी की मौसम ज्यादा खराब हो जाती है, पानी का निकासी नहीं, हम खेल भी नहीं पाते, कहाँ स्कूल जाते हैं कितने गिर जाते हैं खेल के मारे, हम कब खेल भी नहीं पाते, कहाँ जाता भी नहीं पाते हम, हाँ पूरा घर बच जाता है हमारा, ये गड्ढे हो रहे हैं ऐसे कुछ नहीं, पानी बच जाता है नीचे को, इनकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत आती हैं, आदमी गिर जाते हैं और वो भी हो जाते हैं, गले आगे टूट जाते हैं, ट्रैक्टर फंस जाते हैं, निकालते हैं साधनों से तो गड्ढे उसमें दिखाई तो देते नहीं उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़की गिरी थी क्या? तो अभी ये रोड की ऐसी हालत कितने कितने समय से है? अभी तो 3 साल से देख रहे हैं यहाँ पे, 3 साल हो गए। अच्छा जैसे बरसात होती है तब क्या स्थिति होती है? बहुत होती है, लकड़ी में जगह नहीं रहती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है, इधर से निकलना पड़ता है, पानी भर जाता है यहाँ तक। लगभग 20,000 की जनसंख्या है जो कि इस रोड का उपयोग करती है, 4 सालों से इस रोड की यही स्थिति है। नगर निगम की लापरवाही के चलते आने वाले समय में कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और गड्ढे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कभी भी कोई अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। आए दिन यहाँ पर किसी न किसी के गिरने की और चोट और होने की सूचनाएं मिलती रहती हैं। क्या क्या हुआ था बेटा? चोट गिर गया था, चोट लग गई थी उसको। अच्छा तो स्कूल वगैरह जा पाते हो तुम? ये कीचड़ हो जाती है तो नहीं। नहीं। कितनी दूर है स्कूल? उसी रास्ते पे, उसी रास्ते से निकलते हो तो फिर नहीं जा पाते स्कूल? ज्यादा परेशान है इस रोड से और गंदगी फैल रही है चारों तरफ, लगाने की करने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और घर में पानी आ जाता है, नाला बिल्कुल चौक बड़ा है। मैं सब्जी की दुकान लगाता हूँ तो यहाँ पर इतना कचरा हो जाता है, कीचड़ सब्जी मेरी बिगड़ी पाती है और क्या कहते हैं इसमें बहुत मेरे को नुकसान होता है और रास्तागिर भी नहीं आ पाते कोई लेने के लिए, इस रोड को लेकर बहुत समस्याएं खड़ी हो रही हैं, पानी भर जाता है चारों तरफ, सभी रेडी करने के साथ ही है। अच्छा पैसा जैसे आपकी दुकान चलती है तो एक दिन में आपकी कितनी आमदनी हो जाती है? वही होती है 200-300 रुपये। अच्छा और जैसे अभी दुकान मान लो पानी की वजह से रोड के खराब होने की वजह से नहीं चल पाती है तो क्या 200 रुपये की आमदनी हो पाती है? नहीं, बहुत घाटा जाता है, 400-500 रुपये पर डे घाटा चला जाता है। अरे कई बार तो मोटरसाइकिल वाले बाग वाले जाते हैं, गोली वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आज कई बच्चा। क्या परेशानी आ रही है? नालों की सफाई नहीं हो रही है, नाले बिल्कुल बने नहीं है, 10 मिनट पानी बसने से क्या है घरों में पानी भर जाता है। समुदाय के साथ मीटिंग कर समस्या के समाधान पर चर्चा की गई, उसके बाद हमारे द्वारा नगर निगम ऑफिस में जाकर संपर्क किया गया, सड़क के कारण हो रही जन समुदाय की समस्याओं से अवगत कराया गया। संबंधित अधिकारी का कहना था कि आचार संहिता के खत्म होने के बाद ही विस्तार से बात की जाएगी। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूं कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं नगर निगम कमिश्नर महोदय
से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण कराया जाए, जिससे कि यहाँ पर निवास करने वाली लगभग 20,000 की जो जनसंख्या है उनकी समस्या का समाधान हो सके। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहर्ट के लिए।